भाई एक बात बताओ, जो तुम्हें फ्री टाइम मिलेगा उसमें तुम किसी लड़की से बात करना पसंद करोगे या फिर गाने सुनना पसंद करोगे? मैं तो गाने सुनना पसंद करता हूँ। बाकी अभी ऊपर मेरा व्लॉग चला दिया, सुबह उठते ही मेरा व्लॉग चला देते हैं क्योंकि मैं डालता हूँ, फिर मैं नीचे भागाता हूँ ब्रीजों को लेके, क्योंकि व्लॉग में फिर एक आधी गाली होती है, कुछ लड़की वड़की वाली बात होती है, कुछ डबल मीनिंग बात होती है, तो शक्ल यू यू देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। बाकी भाई सब भाइयों को सब बहनों को हैप्पी शिवरात्रि। और अभी नहा के मंदिर जाता हूँ यार, लेट हो गया मैं आज नहाने में। मान गए भाई, मान गए तेरे को आरुष। तो भाई आ जा शिवरात्रि और फटाफट नहा के तुमसे मिलता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ मैं, नहाया नहीं मेरे को, मंदिर जाना है। तो 2 मिनट व्लॉग रोको और नहीं तुम मत रोको, 2 मिनट। तो भाई तुम्हारा भाई पूरा तैयार हो गया शिवरात्रि के लिए, अब मंदिर चलते हैं और मत्था टेकते हैं शिव जी के, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। कैसा लग रहा हूँ कुर्ते में एक बार चेक करो, रुको अभी किसी को कैमरा पकड़ा के चेक करा दो। अब आया निखार, आ गया भाई, आओ अब। लड्डू बड़े होते थे मैं उठा के खा जाता। तो भाई तुम्हारा भाई मंदिर हुआ है, अब पूरे दिन करेंगे जिम विम और देखते हैं भांग पीते हैं नहीं पीते आज। पी जाए? नहीं यार, गलत इन्फ्लुएंस पड़ता है लोगों में, मैंने आज तक नहीं पी, ना पीनी है भाई। ड्राइवर को लेके फिर भांग वांग में कोई सीन तो नहीं होता ना? होता है, बहुत तगड़ा सीन होता है, इसको चालू करके बंद कर पियेंगे आज। होता है भांग में पुट्ठा पे आएगा चार दिहाड़े तक पियेंगे आज। अरे थोड़ी सी प्रसाद मैं तुम दसा अरे क्या हो गया व्लॉग के लिए मम्मी थोड़ी सी आज शिवरात्रि, आज भांग पियेंगे देखते क्या होता है। कोई नहीं, आज दिन खुशियां दा। वैसे भी तो रोते ही रहते हम, क्या पता हंसने लग जाए। सो गाइस तुम्हारा भाई मंदिर हुआ है, और पिछले कुछ टाइम से मैं काफी ज्यादा जुड़ी हूँ कि मंदिर वगैरह जाना ये सब करना। पहले घर वाले बोलते थे, मेरे को लगता था नहीं यार मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, यहाँ नहीं जा रहा, बट धीरे धीरे थोड़ी मैच्योरिटी आती है, बंदा जाने लग जाता है, अपनी रूट से कनेक्टेड रहोगे, पीस वगैरह मिलती है। अब कुछ खाया नहीं था क्योंकि मंदिर खाली बैठ जाते हैं, उसके बाद फटाफट अपनी ओटमील बनाता हूँ और खाता हूँ। बाकी तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैंने आजकल रात को भी ओटमील ऐड कर दिया, तो रात को ओटमील ऐड करने का मेरा क्या रीज़न था? क्योंकि रात को मैं जंक वगैरह खाता था इधर उधर से, उससे बढ़िया कि रात को ओटमील खाओ और सुबह उठ के जान इतनी तुम्हारे भाई ने अभी 120 किलो के कितने रैप मारे, 5 रैप मारे, ये जो तुम्हें वीडियो दिख रही होगी। तो देखो कितनी स्ट्रेंथ ओके हुई, बढ़िया क्लीन खा खा के। मैं तो बाहर का भी खाता रहता हूँ, बट क्लीन जो मेरी 4 मील है वो पूरी डन कर रखी है, वो तो खानी खानी है, बाहर का जो मर्जी खाओ, ना फैट आ रहा है, स्ट्रेंथ ओके हो रही है। बाकी तुम्हारा भाई जो भाई भगवान से दुआ करता हूँ, मेरे फोरआर्म थोड़े वीक होते, क्योंकि ओवरसाइज टी शर्ट पहनो लोगों को लगता है बॉडी नहीं है, बॉडी नहीं है जो पतले होते हैं उनकी, बट मेरे फोरआर्म ओवरसाइज जितनी मर्जी पहन लूँ इतने तकड़े लग रहे होते हैं कि लोगों को पता लग जाता है भाई ये तो तकड़ा इंसान है। ये प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है, समझ नहीं आ रहा। सो गाइस आई जस्ट रियलाइज टुडे इज अ वेज डे, सो लेट मी शूट सम डाइट वीडियो फॉर यू गाइस व्हाट आई विल ईट। देख रही है मेरी इंग्लिश चाहिए है? मैं गलत भी बोलता तेन समझ नहीं आनी, तो बोल दे रहो तो भाई जो पहली मील है उस पे क्या है, उसमें है अपना 100 ग्राम ओट्स, एक स्कूप आइसोलेट, जो मैं एज इट इज का आइसोलेट यूज करता हूँ वो मैंगो फ्लेवर, और उसके साथ पीनट बटर नापता नहीं सीधा यू डालता हूँ, जब लगता है ओके हो गया हो गया। इसमें प्रोटीन है अपने 600 ग्राम, और कार्ब्स अपने 2000 ग्राम, और फैट है अपना 3000 ग्राम, और चाय। सो वैसे तुम्हें एक बात बताता हूँ, हमारी चाय ना वो थी क्या कहते हैं, जहाँ हमारा दादा काम करता था ना, मालिक की लड़की थी, हमारे दादे ने सेट कर ली थी, और 6-7 साल छोटी थी, फिर भी शादी हो गई थी, लव मैरिज थी इनकी। हमारा दादा चाय को घुमाने ले जाता था, तो देख लो हम खानदानी कितने तेज है।
सच्ची है नहीं आया दस पहले नहीं नहीं पागल ये गल छुपाने वाली कोई हुण ते पै गई यही बातें तो याद आएंगी चाई मेमोरी शेयर करो अपनी मत्थे ते जो टिक्का लगे ना बड़ा अच्छा लगे थैंक यू बढ़िया लगे लगा ही बढ़िया ना हां अब मैं सोच रहा हूं रोज तिलक लगाया करूं सुबह नहीं तिलक ना मंदिर रोज जाया कर तू तो शिव जो बोल ना के बजरंगबली का चाहिए बता मैं बचपन से नहीं बजरंगबली का बचपन से ही ट्यूसडे को व्रत रखता था मैं हां मैं पता है जब मैं सेकंड या थर्ड क्लास में था तब से ट्यूसडे को व्रत रखता था मैं मंदिर जाता से हां वो पता मैंने हां चोला चढ़ाता था मैं ट्यूसडे और मैंने नॉनवेज भी छोड़ा हुआ था फिर पता नहीं क्या हुआ मैंने नॉनवेज स्टार्ट कर दिया था अब मैं सोच रहा हूं दोबारा छोड़ दूं नॉनवेज खा तू पता नहीं इस लैंड में खाने या नहीं खाने तेन पता यार मैं कोई मर गई नहीं हाँ ये तो है छोड़ने का मन करता है अंदर से फिर कभी कभी मतलब बहुत कर छोड़ूंगा यार धीरे धीरे 1993-94 छोड़े ही मैं मीर तो भाई निकल चुके हैं घर से बाहर जैसा कि हमेशा हम आवारा गर्दी के लिए निकलते हैं आज हो सकता है भोले बाबा की बारात में भी जाए हम चलेगा भाई क्या भोले बाबा की बारात में और क्या नाचेंगे फुल मजा आ जाएगा आज भाई तुम्हें लगता होगा कि त्योहारों का क्रेज वगैरह खत्म हो रहा है बट जो पटेल नगर है ना ये कभी खत्म नहीं होने देता अभी तुम्हें सामने दिखाता हूँ तो भाई ये देखो ये सारी शिवलिंग जो बनाई है बर्फ से बनी हुई है बर्फ की शिवलिंग ये देखो सारा बर्फ बर्फ पे पेंट हुआ पड़ा है ओए होए ये नंबर सबसे ज्यादा प्यार करता है मेरे को येलो डॉलर मेरी हर वीडियो में आ जाता है मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता आई लव यू येलो डॉलर मैं भी तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे होते सोते भी मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ सो गाइज राइट नाउ वी आर एट करोल बाग एट पॉपुलर जूस आई विल हैव जूस और सिक्का खा रहा है सैंडविच डाइट वाला मेरा भी खाने का मन नहीं कर रहा इसलिए नहीं खा रहा यहाँ से एक सैंडविच हो गया और मैं जूस पी के आता हूँ मेरे लिए भी बोल दिया एल रिस्क है तो इश्क है बाकी भाई भांग वगैरह वाली बातें सिर्फ मजाक थी ये सब चीज़ें बेकार होती है इनसे दूर रहो कुछ फ़ायदा नहीं है अपनी भांग हुई है वाटरमेलन जूस वो पियेंगे बाकी तुम एज्यूम करो मैं भी ये वाला सैंडविच खा रहा हूँ इसमें है 300 ग्राम प्रोटीन 400 ग्राम कार्ब्स और 600 ग्राम फैट्स बाकी भाई आज सुबह सुबह रील चला रहा था तो एक रील आई जिसपे शमशान घाट की वीडियो थी और लिखा था सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं आना है रील देखी इसके बाद मेरी रूह काब हुई आधे घंटे के लिए मैं ओवर थिंकिंग करने लग गया यार एक दिन ऐसे हो जाएगा मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा ये सब छूट जाएगा बहुत ओवर थिंकिंग हो गई गाइस डर लग जाता कभी कभी फिर मेरे को उम्मीद में आ रहा मैं उदास हो गया यार लैला मर गया तो दिमाग में आ जाता भाई कभी कभी आ नहीं जाता कि जैसे लैला मर गया फिर मेरा क्या सफर यार रील देख के यार कभी कभी उदास हो जाता हूँ मैं कि जैसे तू मर गया तेरे को कुछ हो गया तो कंटेंट मिलेगा लैला की तेरी भी गाइस टांग में लगी हुई थी जरा क्या नाम जाता कितने मजे ले रहा था क्या मजे लिए थे देखना गाइस वीडियो देखना पुरानी वाली वीडियो वॉइस फोरम चेक लो यार समझ नहीं आ रहा आजकल क्या हो ही जा रहा बॉडी ऐसे उभरी जा रही है स्मार्टनेस आई जा रही है इंजेक्शन ब्रो सब इंजेक्शन का कमाल है बोला कर साढ़े दस क्यों अबे देख मैं लेता हूँ फिर दूसरे लोग भी लेने लग जाएंगे मेरे को देख के कि ये भी लेता तो मैं भी ले लूँ बट उन्हें हार्म्स नहीं पता मैं पूरी गाइडेंस के अंदर लेता हूँ भाई मैं तो देख मैं जब इंजेक्शन लूंगा मैं सबको दिखा दूंगा डॉक्टर महाजन की गाइडेंस के अंदर एक बार स्कैम करा था हमने बीएल के चले गए चीयर्स तो गाइस हम बांध पीने जा रहे हैं साइज दिखाइए अपना हर जगह मार खा गया तू भाई ये देखो गौतम गंभीर का घर उस दिन मैं यहाँ से जा रहा था ब्लॉग बनाता हूँ आवाज मार रहा था कह रहा आरुष भाई लव योर ब्लॉग्स ये तीसरी बार अपने ब्लॉग में बोल रखा है भाई तो वो हर बार आवाज मारता क्या करो अभी तो मुझे लड़ने नहीं दिखा आप आवाज मारते तुम कहा तो ना खचरो लड़कियों को तड़पने दे हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि अच्छे लड़के बहुत कम है जो सिंप रहेंगे वो उनको आदत है कि भाई हम जिसको मैसेज करे वो अवेलेबल हो जिसको वो करे वो बात हो जब मैसेज आए फोन है रिप्लाई ना कर दूर रहने दे ठीक है ठीक है अवेलेबल काट 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 फटाफट नहीं नहीं उठा के क्या दोस्तों में हूँ भाई हेलो दोस्तों के साथ हूँ थोड़ी देर में बात करता हूँ भाई काट दे
आवाज ये ऐसे सिंप रहना है बस, ये नहीं कि हाँ बोलो बोलो की टांग इतना अवेलेबल रहोगे तो दुनिया फोर ग्रांटेड ले लेगी। बस तुम अपनी एक इमेज बना के रखो, स्टैंडर्ड बना के रखो। अगर तुम्हारा देखो अगर इतनी गंदी शक्ल वाला ऐसी एटीट्यूड रख सकता है तो आप तो रख ही सकते हो। अबे यार स्ट्रॉन्ग वाली कौन सी अच्छी है? ये बढ़िया है, मीठी है, भाई भगवान का प्रसाद है, सब दोस्तों ने पिया थोड़ी सी, हमने तो नहीं पिया भाई। ये अच्छी है, कोई वो नहीं है। ओए ओए नहीं 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 बस गाइस अब अबे नहीं 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 बोले मत कर, अबे समझा नहीं बोले नहीं, अबे सबको पीनी है भाई, तू ये मजाक समझ रही है भाई? सब दोस्तों पिए भगवान का प्रसाद, कॉपी पेस्ट लैला व्लॉग की तरह से भी यही है। अबे कीजा पूरी तेरे भाई ने, नहीं भाई इतनी होती वो हुआ हल्का सा यार कुछ। तू पागल है ना? तू पागल है भाई, मेरे को लगा तू मजे ले रहे हो, ये तो खीर लग वो लग रही है। पागल है क्या? ये नीचे क्या है? ये नीचे सारा बादाम है? नहीं नहीं नीचे सारा क्या भाई, आधा काट दो ये जो तूने गड़गड़ गड़गड़ किया है, मजा मजाक से हटके भाग रही है। तो क्या हो गया? तू भी तो पी थोड़ी, मेरे सामने तो पी एक घुट। अभी पिया भाई, मैं को जिम जाना है ना फिर। हमने भी तो जाना है। एक गुड आज 200 किलो की बारबेल रोइंग मारेगा आज। हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, अभी और पड़ी है। कह रहा है 200 किलो की बारबेल रोइंग हो जाएगी आज। ये कह रहा है? भाई ये तो आना। कह रहा कोई दिक्कत नहीं। कौन जीता है? ये फिर जीत गया। ये मंत्र पढ़ रहा है। पागल है क्या? भोले जी के घोड़े हम नहीं बैठ सकते। ये देखो भाई इतने बुड्ढे हो गए फिर भी इवली आदत नहीं जाती बातें इधर उधर की। भाई ए टी शर्ट जड़ी मैं पाई है किन्ने दी लगदी भैया तेनू? 250 जी जी। 250? 3000 दी टी शर्ट लेती है। कितने की ली है? 3000 की। हां चक्कर है नहीं, 3000 3000 तुम्हारी कसम चाहिए? बड़ी महंगी है भाई, 3000 की। पागल है क्या? डैडी कसम ऑल स्टार के कपड़े पहन ले भाई। मम्मी बताओ इन्हें कितने की लेगी? हम मजाक समझ रहे हैं। 3000 की। पागल हो गया मेंटल। तीन हजार की लिए मम्मी, यही तो फर्क होता है रईस और गरीबों में। इनको लगता है इसकी इतनी तेरी है ना, गरीब है या अमीर है कोई नहीं। पैसा जहाँ लगाना चाहिए वहाँ लगाओ, जिसकी औकात ही ना हो 3000 वाली की शक्ल ही ना हो। ये कहता सब मेरे से मेरे जैसे कपड़े पहन के आते हैं। अब मम्मी ये 3000 की ले ली, अब कोई पहनेगा सेम ऐसी? कौन पहनेगा? अब कौन पहनेगा? प्री घर से पी के जाओ जब बढ़िया वर्कआउट करना है, अभी बता रहा हूँ। तो भाई बहुत ही सॉलिड वर्कआउट हो गया, तुम्हें देख के पता लग रहा होगा, पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, एक आधी क्लिप होगी तो डाल दूंगा। बाकी अब तुम्हारा भाई निकल रहा है यहाँ से इन छड़ों को छोड़ के थोड़ा घूमने फिरने। न्यू डेट। एक बात बता, ये कितनी हवाबाजी करता है तेरे आगे, सच बताइयो भाई? बहुत ज्यादा करता है, सारा झूठ बोलता है भाई। अभी मैं मिला इससे, इसने मेरे को बताया इसने ऐसे ऐसे बोल रखा और मां कसम सारी झूठी बातें अपनी हवाबाजी करी हुई है बस। मतलब भाई ऐसा क्यों? इधर तो आ, इधर तो आ। लड़कियों के नाम बदनाम करे हुए, ये मेरे को चाहती है, वो मेरे को मैसेज करती है, वो करती है भाई। बड़ा बुरा हाल है, मतलब इतना झूठ यार। नहीं यार छोड़ दे भाई, हरकतें छोड़ दे। क्या कह रहा है? गर्ल्स अराउंड मी। भाई माँ कसम बता रहा हूँ, अगर तेरे को कभी कोई लड़की क्यूट गए उससे दूर हो जाइयो, वो तेरे से फायदा उठाने आई है। माँ बाप
भाई दो भाई आए हुए थे अपने, जरा व्लॉग का रिव्यू लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे लगते हैं? एक नंबर भाई, एक नंबर भाई, चारा है भाई, सब भाई चारा। ऐसी बॉडी है, ऐसी बनता ही नहीं आप सब लोग देखेंगे। हिंदी बनता आप लोग आपको दिखाता हूं, देखो सारे सारे यूट्यूब भी नहीं है इस पे, तो लैपटॉप पे सारे लोग देख रहे हैं सारे। चलो बढ़िया भाई, कैचिंग करेंगे, उल्टी कैचिंग। तुम्हारा भाई हो गया फुल टिप टॉप तैयार, आज घूमने जा रहे हैं, उसके बाद शायद मूवी देखने भी जाए। तो थोड़े कॉलेज के दोस्त है भाई, कॉलेज के दोस्त के साथ जा रहा है हार उसके लिए। तो भाई मैंने अभी अभी डिसाइड किया आपसे स्कूटी वूटी में ट्रिपलिंग व्रिपलिंग में घूमना। एक सेकंड रुक जा, पहले दो मिनट चुप रह जा। ऐसे बंद रखे जींस पहन के गाड़ी वाड़ी लेके अपना ऐसे निकला करेंगे टोरे में, पता तो लगे कोई निकला है। पर भाई गाड़ी अपनी थोड़ी जेड ब्लैक करा तब अच्छी लगेगी। सही है भाई, पीछे के तूने तो जेड ब्लैक करा लिए। क्या ये स्मोकी है? वो है स्मोकी बोलते हैं। सॉरी ब्रदर, साले बस भाई स्मार्ट तो लग रहा तेरी हैंड की टांग लग रहा है भाई, स्मार्ट बंदा है, कुछ भी पहन ले यार, कैसे भी पहन ले। थोड़ी देर पहले पर थोड़ी देर पहले भद्दा लग रहा था, जिम गया था अभी, नहीं थोड़ी देर पहले भद्दा लग रहा था। हेलो, ओए सच बताइए, लग रहा नहीं लग रहा था? हेलो तेरी हैंड की। तो दोस्तों अभी कॉलेज के दोस्तों वस्तों के साथ घूम फिर आया हूँ, और वहाँ पे मैंने ब्लॉग वगैरह करे नहीं यार, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, पहली बार मिला था उनसे बहुत टाइम बाद, फिर क्या ब्लॉग वगैरह करता। और अब मैं जा रहा हूँ बूहो, क्योंकि मैंने घर पे 1 बजे का बोला हुआ, मूवी का तो कैंसिल हो गया, बट अभी हो रहे हैं 10:50, तो मैं 1 बजे से पहले कैसे घर चला जाऊँ अगर घर पे 1 बजे का बोला, फिर किस बात का लोंडा मैं अगर मैं टाइम पे पहुंच गया। तो अब घूमने जा रहे हैं बूहो, थोड़ा मैगी वैगी से मिलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। भाई वहां से अब निकल आए हैं, अब अपना लैला भाई आ गया, शक्ल दिखाओ लैला, देखो तो लैला भाई आ गया। अब हम जा रहे हैं सिक्के को उठाने, क्योंकि 1 बजे घर जाना, अभी 12 बज रहे हैं, एक घंटा और काटना वर्ड बोल दिया ना, तो भगवान कह रहा है ये काटना वर्ड मत बोला, अगर बहुत बुरा लगता है लोगों को, अपना पास्ट याद आ जाता है। तो मतलब अभी 1 घंटा और बिताना है, तो चलते हैं सिक्के को उठाते हैं, थोड़ा घूमते हैं, कुछ खा पीते हैं, फिर घर चलते हैं। ये देखो भाई कैसे सजा हुआ अपना पटेल नगर, पप्पी दे सिक्के, तू भी दे। तो ठीक है भाई, अब मिलते हैं कल, और अब घर जा रहा हूँ, कल दोबारा से व्लॉगिंग स्टार्ट करती है। अगर ये व्लॉग आपको बढ़िया लगा तो आपको पता है नीचे क्या करना है, प्यारा सा कमेंट छोड़ना अपने भाई के लिए, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी लव यू। हथौड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी। 3